हेलो दोस्तों, मैं मोहन पोखरियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल होम अप्लायंस इंडिया में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं होम अप्लायंस रिलेटेड ऐसे ही वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IFB की न्यू दीवा SX मॉडल का अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस वक्त न्यू दीवा SX का 6 kg की जो कि वॉशिंग मशीन है जिसका 800 RPM है। ये इसका पूरा फेसिया है, ये इसका पैनल है जहाँ पर पूरे प्रोग्राम मेंशन है यहाँ पे। तो आइए आज हम आपको डिटेल में बताते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में। पहले ऑन करते हैं इस मशीन को और ऑन करके देखते हैं कैसी दिखती है मशीन। तो ये इसका डिस्प्ले है दोस्तों, इसको 7-segment LED डिस्प्ले बोला जाता है। इस तरीके से मशीन ऑन होने पर नज़र आती है। अब इसके प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेस वॉश, ये कम गंदे कपड़ों के लिए प्रोग्राम होता है जिसकी क्वांटिटी भी कम होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पर 15 मिनट की टाइमिंग आ रही है, 2 kg के आप कपड़े इस पर वॉश कर सकते हैं और 30°C में टेम्परेचर रहेगा और 800 RPM में ये प्रोग्राम स्पिन करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम लगाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम है वूलन का, 2 kg के आप इसमें कपड़े डाल सकते हैं, 30°C में टेम्परेचर होगा, 800 RPM में ये स्पिन करेगा और 49 मिनट का ये प्रोग्राम होगा टोटल। नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं बेबी वेयर, तो बेबी वेयर में आप 3 kg तक के कपड़े डाल सकते हैं, 60°C में टेम्परेचर जाएगा, 800 RPM में इसमें स्पिन होगा और 1 घंटा 53 मिनट इसमें टाइमिंग लगेगा। नेक्स्ट है स्पिन एंड ड्राई, यानी कि अगर आप स्पिन करना चाहते हैं, सुखाना चाहते हैं तो खाली आप स्पिन भी कर सकते हैं, 800 RPM में स्पिन करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 kg का पूरा लोड आप डाल सकते हैं इसमें और 14 मिनट का इसकी टाइमिंग है। रिंस प्लस स्पिन, अगर आप रिंसिंग भी करना चाहते हैं यानी खंगालना चाहते हैं कपड़ों को और सुखाना चाहते हैं तो रिंस प्लस स्पिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर आते हैं हम, यह है मिक्स सॉइल्ड, यानी कि आपके मिक्स गंदे कपड़े जो कि मिक्स हैं जिसमें कॉटन सिंथेटिक वूलन यानी सब मिक्स हैं, तो ऐसे कपड़े आप वॉश कर सकते हैं इस पर, 1 घंटा 42 मिनट टाइम लगेगा इसमें, 3 kg के आप कपड़े डाल सकते हो, 40°C टेम्परेचर रहेगा बाय डिफॉल्ट और 800 RPM स्पिन सेलेक्ट करेगा ये। नेक्स्ट है सिंथेटिक, सिंथेटिक में अगर आप आते हैं तो 3 kg का आप लोड डाल सकते हैं, 40°C में टेम्परेचर रहेगा, 800 RPM पे स्पिन करेगा और 1 घंटा 30 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। फिर है कॉटन नॉर्मल, कॉटन नॉर्मल की टाइमिंग 1 घंटा 58 मिनट थी, 6 kg का पूरा लोड डाल सकते हैं इसमें, 40°C में टेम्परेचर रहेगा और 800 RPM में आप इस पर स्पिन कर सकते हैं। आप इसके टेम्परेचर को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। कॉटन इको प्लस, तो कॉटन इको प्लस यानी इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, यानी आपके पैसों की बचत करेगा, आपको कॉटन नॉर्मल वाली ही वॉश क्वालिटी मिलेगी बट इसमें हीटर थोड़ा कम रन करेगा। फिर है क्रेडल वॉश, तो जो अभी आप क्रेडल वॉश देख रहे हैं दोस्तों, क्रेडल वॉश प्रोग्राम IFB का अपना पेटेंटेड प्रोग्राम है,
तो ये हाईली डेलिकेट क्लोथ्स के लिए होता है। अगर आप ऐसे कपड़े जो आप ड्राइकिंग के लिए बाहर दे रहे हैं, आप वो इस पर वॉश कर सकते हैं। इस पर जो है टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा, 400 RPM पे स्पिन करेगा, 44 मिनट की इसकी टाइमिंग लगेगी। तो ये है पूरा प्रोग्राम, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये LED डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले कहा जाता है। अगर आप स्पिन करना चाहो, ये स्पिन के लिए बटन दिया है। टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं या घटाना भी चाहते हैं, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप डिले टाइमिंग दे सकते हैं मशीन में। डिले टाइमिंग 24 आवर्स की होती है, यानी आप जब जितनी टाइमिंग डालोगे उतने बजे मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट पॉश का बटन है और ये ऑन ऑफ का बटन है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सिंबल्स हैं, ये दिखाएगा आपको कि स्टार्ट हो रखी है, पॉश हो रखा है। यहाँ पे देखिए पॉश हो रखा है तो रेड लाइट जल रही है। टेम्परेचर सिलेक्शन, RPM, सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखाता रहेगा। अब इसके डिटर्जेंट चैम्बर को देख लेते हैं एक बार। ये इसका डिटर्जेंट चैम्बर है। ये देखिए IFB की मशीन की खूबी है कि IFB की मशीन में लिक्विड डिटर्जेंट के लिए अलग से एक आपको डिटर्जेंट ट्रे मिलेगा। तो ये लिक्विड डिटर्जेंट डिस्पेंसर ट्रे बोलते हैं इसको, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप नॉर्मल डिटर्जेंट डालना चाहते हैं तो आप नॉर्मल डिटर्जेंट डाल सकते हैं। ये प्री वॉश का है, ये मेन वॉश का है, और ये जो आप देख रहे हो एडिटिव्स के लिए, जैसे नील वैनिश आपने लगाना हो कपड़ों में तो आप उसको इस पर लगा सकते हो। और ये पूरी मशीन है देखिए। इसके ड्रम को भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का ड्रम है दोस्तों, 304 कोरियन स्टेनलेस स्टील यूज हो रहा है, हाई क्वालिटी स्टील माना जाता है ये। तो आप देख सकते हैं पूरे ड्रम को। और ये जो है दोस्तों, ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसे रैट मेश कहते हैं। चूहों से बचाने के लिए मशीन में इसे नीचे लगाया जाता है ताकि चूहे मशीन के अंदर ना जाए। इसके अलावा ये मैनुअल है इसका, मशीन के बारे में पूरी डिटेल पे इस पर लिखा होगा, आप इसको खोल के इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मशीन के अंदर ये चीज़ें डलकर आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये टफन ग्लास है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये है पूरी मशीन की डिटेल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या आप हमारे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखकर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आएगी तो हम और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।